नाजरीन आज डिजिटल मीडिया टीम लिया के तरफ से जो है एक वाक का इंतज़ाम अहतमाम किया गया है सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल को जो है फ्रंट पर लाने के लिए और लोगों को इससे आगाही दिलाने के लिए इस वाक का अरेंज किया गया है। इस वाक का जो है क्रेडिट जो है डिजिटल मीडिया टीम लिया को जाता है। इस चीज़ की आदत कर रही हैं असिस्टेंट कमिश्नर लिया अशीज़ा रहमान साहब और यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। उनसे आज की वाक के हवाले से उनके ख्याल का जो है इजहार आपके सामने उनकी ज़बानी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आज की वाक के हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द क्वालिटी ऑफ स्मार्टफोन्स हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, अब हर किसी के पास ओपिनियन भी है, तो लोग समटाइम्स सोशल मीडिया पे बहुत हार्श और इम्पोलाइट हो जाते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस, टुवर्ड्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट मशीनरी। तो इट्स अ स्मॉल एफर्ट कि हम लोगों को इनक्रेज करें और एजुकेट करें कि ठीक है आपके एक ओपिनियन है, इजहार राय ज़रूर करें लेकिन पोलाइट मैनर में और थ्रू प्रॉपर मैनर, ताकि किसी की दिलाजारी ना हो और हर किसी के जज्बात महफूज रहें, कोई हर्ट ना हो। मैम देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं हरासमेंट के हवाले से या जो है डिफरेंट लेवल के जो है ना इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं मिस यूज़ की वजह से, तो ये एक लोकल लेवल पर इन्होंने वाक का अरेंज किया तो ये एक बहुत ही सराहने वाली बात है। गवर्नमेंट को भी चाहिए ट्रेनिंग्स का इनकाद करना चाहिए, ऐसे सेशनस का आगाज़ करना चाहिए कि जो सोसाइटी है, मुआशरा है, लोग हैं वो मोटिवेट हों, इसके मस्बत को मस्बत यूज़ करें इसका, तो इस हवाले से कुछ स्टेप्स आप आगे फॉरवर्ड करेंगी? बेसिकली गवर्नमेंट ने एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि सिंस आई एम वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, काफ़ी सारा अपने हिस्से का काम कर दिया है। मतलब वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है, साइबर क्राइम्स एक्ट हैं, साइबर क्राइम्स के लॉज हैं, ऑफेंसेज हैं, साइबर क्राइम सेल्स हैं, आप इस तरह की हर चीज़ रिपोर्ट कर सकते हैं। बट नाउ आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक के वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल यूज़ शो करें, क्योंकि गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, गवर्नमेंट कैन इवन इम्प्लीमेंट द लॉ, बट बाई द एंड ऑफ द डे इट्स द पब्लिक जिनको अपना बिहेवियर से बताना है कि क्या चीज़ मैटर करती है, क्या चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये पब्लिक पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा फॉल करती है थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाके, कि वो सोशल मीडिया को थोड़ा सेंसिबली यूज़ करें। मैम आपने लिया का चार्ज संभाला कुछ ही अर्सा पहले, तो आप क्या समझती हैं दूसरे अजला जो हैं पाकिस्तान के दूसरे सूबे हैं अजला हैं उनके हवाले से लिया को कैसे देखती हैं क्राइम्स के हवाले से? देखिए लिया में तो इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट क्योंकि इट्स बिन ओनली 29 डेज हेयर, तो सो फॉर आई फाउंड लिया गुड क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं, एक्टिव हैं और लोगों को अवेयरनेस है, तो अभी तक तो आई थिंक के लिया के लोग अपने पार्ट पे अच्छा काम ही कर रहे हैं। मैम एमआर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई आवाम को पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले? मैं आवाम को सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास एक ओपिनियन भी है, बट वन साइडेड ओपिनियन पे हेस्टिली कॉमेंट ना करें। ठीक है आपको लग रहा होता है कि एक इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन हर इंसान के बाई द एंड ऑफ द डे जज्बात होते हैं, अगला इंसान हर्ट होता है, बहुत सारे स्पेशली कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को मैं फील करती हूँ कि वो सोशल मीडिया पे बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्रास लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो आप वही ओपिनियन थोड़ा तमीज़दार अंदाज में भी दे सकते हैं। पोलाइट रहिए, तनकीद कीजिए लेकिन खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज से, नरम अंदाज में। थैंक यू सो मच मैम।